सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाव जो होगा वो हमें हमारे मनसा मुताबिक मिल नहीं रहा, अन्य कम से कम 450 तो होने चाहिए, और महंगाई के हिसाब को देखते हो गन्ने के भाव के वहीं रोको पड़े, और स्टेटों से भी कम कर रखा है इन्होंने। अन्य ज़्यादा हरियाणा है, पंजाब है, तो इनमें 400 जा रहा, हमारे यहाँ जो है जो 370 पड़ा। हमें उम्मीद है भाव दिवाओगा तो जयंती दिवाओगा हमें। अच्छा भाई, तब और के और को क्या जाने में भा, उन्होंने तो अंडे का पता भी नहीं कहाँ बैठे बोले गए हो जी। हमारा गांव तो राजपुर कला है, इसका जो रुझान है वो ये नलका चमक रहा है, यहाँ तो नलका चलेगा। पैसे ऐड महंगी होगी, डीएपी महंगी होगी, सब चीज महंगी होगी, लेकिन गन्ने रेट में बढ़ नहीं पता। किसान ने नया ट्रैक्टर लिया, उसका 10 साल में क्या बिगड़ रहा, उसका तो 20 सालों में कुछ नहीं बिगड़ता। तो कुछ नीति जो है गवर्नमेंट की वे भी गंदी है। रोड तो बढ़िया बन गई सब, पर ये हमारे गांव में पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे तो सारे रास्ते बिल्कुल फूटे पड़े कि किंगे से ही आ जाओ। किधर माहौल बनागा गांव का क्षेत्र का, हमारा लोक दल ही है, हमारा नलका ही बजेगा, नलका ही बजेगा हमारा। बंदर में खैर ऐसी बात नहीं है, बदलाव तो लाजमी आता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, बदलाव तो हर एक आदमी करता है थोड़ा बहुत। अगर वो गठबंधन में बदलाव नहीं करने का तो उसके गठबंधन का लाभ क्या होगा। ये नारे तो लगा रहे, कटोगे तो बटोगे, नारों की जरूरत है क्या? हमने काम करो ढंग से। आपको जरूरत है ऐसे नारों की? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहाँ पर आने वाली 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा उपचुनाव होने हैं, और हम यहाँ राजपुर कला गाँव में है, जहाँ पर हमारे साथ किसान है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस उपचुनाव में क्या माहौल बन रहा है, वोट को लेकर, चुनाव को लेकर लोग किस तरफ जा रहे हैं इस चुनाव में। हम यहाँ से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा और आरएलडी के गठबंधन से मिथिलेश पाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सुमूल राणा जी, आसपा से जाहिद हुसैन जी और बसपा से शाह नजर जी यहाँ चुनावी मैदान में हैं। यही जानने की कोशिश करेंगे, हमारे यहाँ किसान हैं हमारे साथ, कि इस विधानसभा चुनाव में क्या माहौल बनेगा, क्या लोगों की राय होगी और किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। राव जी नमस्कार। जी क्या नाम जी अपना? मेरा नाम अशोक कुमार जी। अच्छा जी, क्या कर रहे हो बाबू जी? किसान है जी हम। अच्छा, खेती किसानी है? हाँ जी किसान है जी। तो चुनाव है जी आपके यहाँ उपचुनाव? हाँ जी। क्या देख रहे, किधर लोग जा रहे, किसान किधर जा रहे? भाई जी हमारा गांव तो राजपुर कला है, इसका जो रुझान है वो ये नलका चमक रहा है, यहाँ तो नलका चलेगा। सब चौधरी साहब के साथ? सब चौधरी साहब के साथ रहेंगे, चौधरी कहीं भी जाओ चाहे सब उसके पीछे रहना है। हाँ, नलका ही चलेगा, नलका ही चलता आ रहा यहाँ जी गाँव में राजपुर में। तो पहले यहाँ से विधायक रहे चंदन सिंह चौहान जी, उनका काम कैसा रहा आपके? उनका काम बस ठीक ही रहा, वैसे तो वैसे सड़क भी टूटी पड़ी हमारे, उसने मतलब ये काम नहीं करवाया हमने कुछ भी। वो लोकसभा की वजह से मतलब 2-2.5 साल ही रहे हुए, उस बीच नहीं हुआ कुछ। उस बीच कुछ है, कुछ नहीं करवाया। और अब तो कई महीने एमपी बनो भी हो लिए उसे, अब इनके को काम है को आके भी नहीं जानका, तो कुछ उम्मीद नहीं है अभी वहाँ उससे। हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, हमें इससे उम्मीद इससे कर रहे हैं अब जा, इससे क्या नाम है, मिथिलेश जी से बस। तो लगे काम हो जाएंगे? काम होंगे, वो वादा करके गई पक्का। देखो आई थी गांव में? हाँ गांव में आई। अच्छा, तो जैसे रास्ते की समस्या है ही है, ऐसी कहते हैं कहते हैं जीतने के बाद मैं सब हल करूंगी। अच्छा जी, चलो भरोसा है आपको? हाँ जी भरोसा है जी पूरा। चलिए, आप खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी के क्या हाल है आज के दौर में? खेती किसानी का तो बस जो अपना कर रहा चल रहा काम, कहाँ की भैंस नीचे, भैंस की कहाँ नीचे, भाव जो होगा वो हमें हमारे मन से मुताबिक मिल नहीं रहा, अन्य कम से कम 450 तो होने चाहिए, और महंगाई के हिसाब को देखते हो जैसे लागत बढ़ रही खेती में। हाँ वही तो जी, जैसे लागत का हिसाब बढ़ता जा रहा, उसी हिसाब से गन्ने का भाव बढ़ता नहीं जा रहा, गन्ने के भाव के वहीं रोको पड़े, और स्टेटों से भी कम कर रखा है इन्होंने। अन्य ज़्यादा हरियाणा है, पंजाब है, तो इनमें 400 जा रहा, हमारे यहाँ जो है जो 370 पड़ा। तो उम्मीद है चौधरी साहब अगर आगे इस सीट पर तो लगे भाव में भी बात हो। देखो जी हाँ, हमारे चौधरी साहब कह के गए, वादा करके गए, हम तुम्हारे भाव के साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी आप इधर जा रहे भाजपा। हाँ हमारी तरफ से वो, हम तो चौधरी के पीछे है, जिंगा रहेगा हम तो उनके कुछ चलेंगे। जिधर चौधरी साहब, जिधर चौधरी साहब जाएंगे वही जाएंगे। क्या नाम जी अपना? साहब सिंह जी। अच्छा जी साहब सिंह जी, क्या कर रहे हो? खेती कर रहा हूँ। अच्छा, तो लगे काम हो रहे हैं आपके चौधरी साहब काम? हाँ भाई, उम्मीद ही करी जा रही है, अभी वो करवा दें। और जो सरकार है वो तो कह रही थी भाई 400 का भाव देंगे, मोदी जी भी कह गए थे,
ऐसा कुछ हुआ पिछले सालों में? ना कुछ बढ़ाए न मुख्यमंत्री ना, पर कुछ कम है उस बात से नहीं। क्या नाम आपका? सुभाष। अच्छा जी, सुभाष जी क्या करोगे? खेती करे। खेती तो क्या हाल है खेती के आज के दौर में? फायदेमंद है? और तो कुछ नहीं, ठीक है, बस काम चल रहा है अपना। और क्या, अब कहते रोग इतने लग रहे मार मुल, अब तो पैदावार ही कम है। लगा है कुछ जैसे गन्ने की भाव की बात है भाई, बाकी जैसे अभी कह रहे थे यहाँ भी कुछ ऐसा होगा? रहेगा तो ऐसा ही, पर ये कहाँ बढ़ाऊंगे, नहीं बढ़ाते तो फिर क्या। वाह, हमें तो सबसे बड़ी बात है सड़क की, रास्ते बहुत खराब हो रहे गाँव के। हाँ, तो पहले नहीं काम हुआ जैसे पहले भी चुनाव देख लेते? दो ढाई साल हो लिया, कुछ नहीं कर। तो अब लगा उम्मीद कुछ जो भी जीत का? देखो कहे तो रहे न, तो वो भी कहे था दांत पाड़ा है वो भी, हाँ जी सारा गाँव है सबसे पहले यो है, रहता है नहीं ना करवाता हूँ। तो अब तो कर गए, अब तो खैर ये दोनों हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जीतने के बाद तो करना चाहिए यार, करना चाहिए, आगे उनकी मर्जी क्या करें। तो मोदी जी भी लग रहे, सरकार भी है उनकी सेंटर में भी, क्या किसानों के लिए काम कर रहे हैं। सारी बात कहाँ जानते हैं, नहीं कहते 400-450 का भाव देंगे पिछली बार? हाँ कह तो रहे थे पर दिया तो नहीं, यानी किसान और खुश हो जाएगा नहीं। इतनी महंगाई है, बताओ क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। 450, ये 450 की बात कर रही है, 400 ही दे दियो हमें, हम तो 400 भी खुश हो जाएंगे। तो भाव नहीं बढ़ा करने का कुछ पिछले साल? नहीं, पिछले साल बढ़ाया था, तो उससे पहले साल नहीं बढ़ाया, पिछले बढ़ाए थे 20 रुपये। 20 रुपये तो लागत के हिसाब से पूर्ति के है, जैसी दवाई में बहुत महंगाई है, दवाई भी खाद डाई है, अब तो डाई भी नहीं मिल रही, किसान परेशान है, गेहूँ बोने खातर डाई नहीं मिल रही अब जा ये खाद सेंटरों पे। हाँ क्या कह रहे हैं वहाँ पे, खत्म हो रही ना वो, अब तो गेहूँ हुआ अगर इसमें तो चाहिए, फिर लोग भगे कहीं भी नहीं है, लोग अपना देख रहे भाई। जो बाहर से ले हुए वो महंगा पड़े? हाँ वो तो महंगा मिलेगा, पहली बात तो है ही नहीं, मिलेगा कहाँ। प्राइवेट वाले भी दबा कर रहे हैं, ना कर दे नु कहते है नहीं डाई, ऊपर से नहीं आ रही, उनको हम क्या करें, बस उनके अपना एक बोल लगे खाते हैं, उनसे क्या फायदा है, क्या पता क्या चीज़ है, अब उन्हें गेर के लोग बोरे पता नहीं क्या होगा। महंगाई का भी कुछ असर पड़ा है किसान पे, जैसे खाद दवाई ये पेस्टिसाइड हो गया, और बहुत महंगाई है, और नकली सबसे बड़ी बात है नकली की, चलो महंगाई भी झेल ले पर नकली जो आ रही है न तोड़ रखा किसान, वो नहीं असर करती, अब इन पर ध्यान दे सरकार तो कुछ भी नहीं। अब सरकार का काम है तो भाई नकली फैक्ट्री बना रही है, इन पर ध्यान करो। कहते भाई खाद का कट्टा भी घटा दिया, हाँ वजन घटा दिया। अगर किसान की फसल पे हिसाब बढ़ा के चले, बढ़िया हिसाब बना के चले, ठीक ठाक ये बढ़ा किसान की फसल पे बढ़ाओ तो, और पे भी बढ़े तो फिर उसका महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता किसान पे। जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा भाव नहीं उस तरह से, उसमें डीजल पेट्रोल वो तो चलो सबकी खातर है, वो एक विदेश से चीज़ आ रही है, वो तो एक यहाँ पैदा नहीं हो रही, पर उसमें तो जो है फिर और चीज़ तो यहीं पैदा हो रही है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। नहीं जैसे पहले मतलब डीजल इस्तेमाल होता ट्रैक्टर में, अब वो महंगा हो गया तो फर्क तो पड़ा ही होगा आमदनी उसमें डीजल की, तो ऐसी बात आ जा किसान कतेक डीजल फूंक रहा उसमें, तो इतना किसान को इतना परेशान नहीं होना चाहिए डीजल पर, तो बाकी डीजल से अलग तो बहुत चीज़ है ऐसी जिन पर जो किसान परेशान कर रही है। दे दो किसान को जैसा जिसका हिसाब है जैसा खर्चा है, सब्सिडी से दे दो। यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती? कहाँ मिल रही है यहाँ सब्सिडी? नहीं सब्सिडी तो है क्या, ऐसी बात नहीं, सब्सिडी तो है, जैसे खाद पर देते, खाद पर भी सब्सिडी है, बाकी तेल पे भी चल रही है अभी, ऐसी बात नहीं है, अगर तेल की सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो बहुत कड़ा पड़ जाएगा, पर बाकी यही है ना तेल की इतनी दिक्कत नहीं मानता किसान जितनी की ये पेस्टिसाइड की जो दवाई है ये, इन पे भी और जो है 30-35 सारा ही मिल रहा है, बहुत चले जाके 30-35 सारा ये पड़ा है तेल, तो टैक्स लगा दे ये अपना पता नहीं क्या लगा, इनका जो टैक्स है वो हिसाब से ज्यादा है, 35 रुपये डीजल पड़ रहा है, अगर जो उनके जो रेट को देखा जाए तो 35 रुपये पड़ता है डीजल तैयार होकर, और इनके 35 रुपये स्टेट के, 35 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के, तब जाके वो 80 इन्होंने 80-95 कर दिया। कुछ और चीज़ ऐसी है जो यंत्र हैं हमारे ये महंगे होते जा रहे हैं, उनसे किसानों को जो है वो लॉस आता है उनसे। अब ट्रैक्टर किसान को इतना महंगा पड़ रहा अगर हर आदमी ले नहीं सकता, पुराणों पर कुछ सरकार कह रही पुराने बंद कर देंगे 15 साल ना, अब बताओ किसान कैसे ले लेगा, किसान की इतनी अक्षमता कहाँ है,
कि 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ रहा बताओ ना। अगर माने किसान ने नया ट्रैक्टर लिया उसका 10 साल में क्या बिगड़ रहा, उसका तो 20 सालों में कुछ नहीं बिगड़ता। तो कुछ नीति जो है गवर्नमेंट की वे भी गंदी हैं। ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की नीति है। अब तो इनमें काम और करवाओ, इतने इसका वो नहीं लगाओ ना बच्चों पर, मामला भी बढ़ेगा बहुत। इनसे सबसे ज़्यादा सरकार इनकी दोनों जगह रही, इन्हें बहुत जल्दी वो करना था। तो अब उम्मीद लगे चौधरी साहब जैसे मिलकर काम कर रहे कि भाई कुछ बदलाव बातों को रखना चाहिए इन्हें भी भाई। देखो गठबंधन में खैर ऐसी बात नहीं है, बदलाव तो लाजमी आता है चाहे किसी भी चीज़ का हो। बदलाव तो हर एक आदमी करता है थोड़ा बहुत। अगर वो गठबंधन में बदलाव नहीं करने का तो उसके गठबंधन का लाभ क्या होगा। तो करते तो जरूर हैं, पर वो है अपने अपना सब हिसाब देख कर जब करा जाओ उसमें। गांव का माहौल क्या है आपके? गांव का माहौल सब अच्छा है, सब एक लब्बा हिसाब किताब है। जो है यहाँ से जो है 90% वोट जो है वे उसी की है, मिथिलेश पाल की, बाकी और की किसी की नहीं। वो मिलेगी चौधरी साहब की, चौधरी साहब की वजह से। चौधरी साहब ना होते तो फिर पता नहीं कौन किस पर जाता। फिर कोई हमारे यहाँ आपस में जो है दबाव देने का कोई मतलब नहीं था। अब हम दबाव भी दे रहे हैं आपस में एक दूसरे पर। बातचीत सबसे बातचीत है भाई, अपने लड़के का ध्यान रखो। एक नेता हमारा चौधरी अजीत जयंती है, किसानों का मसीहा है, किसानों का हितैषी है, जयंती है। और नहीं और तो कोई किसानों की बाबत बोलने वाला है नहीं, तो उस वजह से जो है सब लड़के पे जाने। हाँ ये नारे तो लगा रहे, कटोगे तो बटोगे। इन नारों की जरूरत है क्या? हमने काम करो ढंग से। आपको जरूरत है ऐसे नारों की? नहीं कोई जरूरत नहीं। तो मतलब समझ में आवे लोगों के उस नारे उसमें तो ये चीज एक ही है। ठीक है अपना बढ़िया काम करो, उसमें क्या है? ये तो बेकार की बात है। झूठ तो आदमी खुद रहा अपने आप। जिसे किसान तो सभी बिरादरी है। हाँ वही तो है ना, सभी है उसमें किसान। किसान तो सभी छोटे भी है, बड़े किसान भी है। अब उसमें क्या है, योगी ने नारा दे रखा कटोगे तो बटोगे, दूसरों ने नारा दे रखा एकजुट रहोगे तो ठीक रहोगे। यही तो समस्या। तो अब उन पर तो कोई उनका वो नहीं, वे तो जोड़ रहे मुसलमानों को जोड़ रहे खूब है, उन पर तो कुछ है नहीं। अरे ये जोड़ है तो उनको वो कर रहा, उसमें कुछ नहीं है। वो तो अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो दोनों नारों का मतलब एक ही है, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने का मतलब है दोनों का। उसमें उन्होंने उसने एक ने नू कह दिया कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, उन्होंने कहा एकजुट रहोगे तो ठीक रहोगे, बचे रहोगे तो मतलब तो दोनों का एक ही है, कैसे सोच लो उसमें। हाँ काम तो जो है भाई किसानों की तरफ को देख के सरकार, रास्ते वस्तों का और रखो और क्या है। यानी रोड तो बढ़िया बन गई सब, पर ये हमारे गांव में पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे तो सारे रास्ते बिल्कुल फूटे पड़े कि किंगे से ही आ जाओ। ये बात होगी आपकी, रास्ता बनेगा। हाँ कह तो रही भाई, अब आगे देखो क्या कर रहे हैं। हमने तो ये चंदन चौहान मैंने कहता नू कर दूँगा फिर तो आ नहीं। अब लोग कभी बुलावा है तब हंस का कहते हैं थारा ही गाँव तो और क्या है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सारा गांव जाता उस पर रहेगा तो सब गठबंधन में ही। हाँ जी पहले से यो गांव राजपुर से स्टार्ट हो, यहाँ लोक दल के ये सारे गांव हैं। सारे गांव लोक दल हाँ, राजपुर तिलोरा मनफोड़ा सोनी घटैन नुनीखेड़ा सब लोक दल पे रहे हैं। तो सब किसान बिरादरी है। हाँ जी। अच्छा जी तो किसान की क्या स्थिति है जी आज के दौर में? किसान की तो ऐसी है जी, ऐसा खेती में बचता कुछ नहीं, खर्चा ज़्यादा है, इतनी बचत नहीं है, लागत बढ़ गई बहुत। और जैसे भाई पैसे ऐड महंगी होगी, डीएपी महंगी होगी, सब चीज़ महंगी होगी, लेकिन गन्ने रेट बढ़ नहीं पता, भाव बढ़ नहीं रहा। हाँ एक ही शिकायत है बंद से, ये किसान पर ध्यान दे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, कानून व्यवस्था सही है, रात को किस टाइम चल जाओ कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये जैसे किसान सम्मान निधि दे रहे, ये कुछ फायदा पहुँचावा है किसानों को भाई? 2000 तो आन रही थी वो हमारे नहीं आती, हमारी जमीन ज़्यादा नाम थी जब हमारे डिफाल्टर में हो गए थे रिजेक्ट, लेकिन बाकी किसानों को तो मिलती होगी। मिला है सबको, मिला जाता है, बाबा नहीं आ रही इनकी बारी। तो आपके हिसाब से लगा है वो काफ़ी है वो धनराशि जो किसान? अभी तो है नहीं भाई, ये उसे तो बंद कर दो, इनकम ही बढ़ा दो, रेट सही कर दो गन्ने का। नहीं पूंजीपतियों का ध्यान रखा कोई थोड़ा किसान ही। हाँ ये राव जी नमस्कार।
जी क्या नाम अपना? अंशिपाल। क्या करा कर रहे जी? खेती में ही है भाई। खेती कर रहे? अच्छा बाहर निकल ले खेत तो आज खेल ले। अच्छा चलो नो बताओ क्या लग रहा है? चुनाव है विधानसभा तो किधर माहौल बना रहे? हमारा माहौल तो यही है बस लड़के भाई। अच्छा तो चौधरी साहब कह गए और पक्के हो गए? पक्के पहले से ही पक्के हम तो। अरे और भी तो है, और भी तो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखते उनको हमें क्या लेना उनसे। चौधरी साहब के साथ ही रहो? बस चौधरी साहब के साथ ही रहेगा पुराने टाइम से ही, पहले से ही और बादल ही। अच्छा बड़े चौधरी थे जब भी? हाँ, जब से रहे। अच्छा तो लगा है खेती किसानी कुछ लाभदायक हो रही गाँव में, कुछ बदलाव आ रहा हो पिछले साल? बदलाव तो कुछ नहीं है, यूँ है भाई अपने के साथ रहना पड़ेगा और साथ रहेंगे तो कुछ मिलेगा, अपने के साथ रहेंगे तो कुछ मिलेगा। ये कहते हैं भाई, ये कह रहे थे भाई, जो सुनने वाला और कौन है सुन रहा है? और कोई पार्टी नहीं सुनने वाली, और नहीं पूछता कोई किसान के हक में? कोई नहीं किसान के हक में, नहीं कोई भाई। ये तो मतलब ये आ रहे हैं तो, और तो किसान के लिए तो वही है, काम कर रहे हैं बढ़िया। हाँ बढ़िया करार बढ़िया कर रहे हैं, अभी तो भाई बढ़िया कमाई जा रहे हैं, थोड़े बिरादरी के हिसाब से दे रहे हम, काम के हिसाब से, काम के हिसाब। हाँ जो सुनने वाले भई हमारे तो भई उन्होंने सुना हमारा जो कुछ थोड़ा बहुत सुना है, और तो हम रुखे तार हो जाओ छे, सब ने फायदा ही उठाया, सब ने फायदा उठाया हमारा दिया कुछ नहीं। जैसे ये गन्ने की भाव मोदी जी भी कह गए थे 450 हो जाएगा, 400 भाव देंगे, लगे आपको ऐसी पूरी उम्मीद है जी? उम्मीद है जब तक हमारा है उसमें, जब तक हमें पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है भाव दिवावगा तो जयंती दिवावगा हमें। अच्छा भाई और के और को क्या जाने वे भा, उन्हें तो गंडे का पता भी नहीं कहाँ बैठे है लगे हो, उन्हें तो भी पता नहीं कहाँ लगे है। जयंत को पता तो है किसान है, किसान का बेटा है, भाई किसान ही हमें तो किसान के दर्द को किसान ही जान सके, ये क्या जान सके और हैं? तो जैसे पहले अलग थे अभी इधर आ गए, कुछ फायदा मिल जाएगा? फायदे खतर ही आए भाई, फायदा ही चाहे हर कोई अपना है या तो, नहीं तो खेती का क्या हाल है आज के दौर में अगर आप देखें? ठीक चल रहा, ठीक चल रहा, हमें तो भाई भुगतान वगैरह आ जा समय पे है भाई, भुगतान वगैरह आ जा आ जा दे दिया। जैसे ये आंदोलन भी चलते रहे, परेशानी नहीं भाव की? कौन सा मिल पड़ा आपका? मतलब पैसे की, पैसे कोई हमारे यहाँ परेशानी नहीं, हमारे मिल में तो है नहीं, हमारे तो मिल ही जा हर साल दे दे हमारे तो नकद, अपने नकद से ही मान लोगे, ये नहीं बस चिता भी मिल या धरने धरने भर के पैसे रोक रखे, हमारे तो रोक नहीं, अभी ठीक चल रहा काम और क्या भाई, पैसे रुक जा किसान के तो उसका बर्बादी है बस और क्या, पैसे ना मिले तो करेगा काम कहाँ से फिर। अच्छा प्रधानमंत्री जी काम ठीक कर रहे हैं आपके साथ? भाई जी ठीक ही चल रहा काम। और योगी जी? ठीक बहुत बढ़िया, ये कह रहे थे भाई बटेंगे तो कट जाएंगे इस तरह की चीज़, सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, बटने से तो कटे ही है भाई, कोई भी हो भाई बट जाओ बट के देख लो एक बार है तो नुकसान होगा उससे, बटने से बटने से सारा ही नुकसान है, क्या कर सकें फिर, क्या किसी को हम कह सकें, केला केला बजाओ जाओ गाल है कोई नहीं सुनता, कुछ लोग उल्टा मतलब निकाल रहे कि भाई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, बटो ना एक जगह रहो कहीं भी रहो, हम तो ये कहें एक जगह रहो, जब रहना तो एक जगह रहो, हिंदू है तो हिंदू की लड़ रहो, मुसलमान मुसलमान के लड़ रहो, हिंदू से दबा थोड़ा ही दे भाई, तो मर लड़ा जाओ वो उनकी मर्जी है, बाकी हम तो जहाँ भला मालूम देगा वहीं चलेंगे हम तो, कोई भी हो वे क्या हम हो या वे हो, जहाँ हमने अपना अच्छा मालूम दे रहा वे चल रहे, जहाँ हमें दे रहा हम चल रहे, अब वे मारे कहे से चल जाए तो हम उनके कहे से चल जाएंगे, जब वे मारे कहे से नहीं चलते तो हम ही कहते चल जाएंगे उनके कहे से। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसी तो कोई बात नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली, वो सब मिलजुल के? हाँ सब मिलजुल के, हमारे यहाँ तो जो मुसलमान है सब मिलजुल के, कोई अलग नहीं हमारे से, उनमें भी किसान होंगे? किसान नहीं, नहीं किसान नहीं है। अच्छा मजदूर आदमी है साथ बिछड़े, वे अलग नहीं हमारे से। किधर माहौल बनागा गाँव का क्षेत्र का? भाई हमारा लोक दल ये हमारा तो नलका ही बजेगा, नलका ही बजेगा हमारा, यहाँ तो तब मुसलमान से पूछोगे ना किसी से, करो जाकर पूछ के देखियो नलका ही बताऊंगे यहाँ हमारे विचार से, हमारे विचार से क्यों
इनसे हमें कुछ मिल रहा, इनसे मिल सके हमें तो किसान ही किसान कुछ जाने दूसरा कौन दर्द को जान रहा है भाई, किसान के दर्द किसान ही जान सके और किसान से अलग हट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे भाई, या नहीं मान लो। उम्मीद है जो भाव की बात कह रहे थे गन्ने की वो मिल, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। पिछले कई सालों में तो दस बीस ऐसे बढ़ा रहे, 20 रुपए का बढ़ाए थे। अजी बढ़ाओ कुछ भी, हम नहीं दबाओ दे रहे भाई, इतना बढ़ेगा या उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा बढ़ेगा। हम लोग मीरापुर के, मीरापुर विधानसभा के राजपुर कला गांव में थे, जहां पर हमने किसानों से बातचीत की और जानने की कोशिश की किसान बिरादरी इस बार इस उपचुनाव में किधर जा रही है, किधर वो रुझान बन रहा है, वोट का क्या समीकरण बनेंगे। लोग जो है किसान बिरादरी जो है यहाँ, वो कहीं ना कहीं लोक दल के साथ जुड़ी हुई है और वो गठबंधन को वोट करने जा रही है। जुड़े रहे आप CCA के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। अच्छा जी, राम राम जी, धन्यवाद। हाँ जी बैठे जी बस।